उदयपुर जिले के गोगुंदा के शराब ठेकेदारों ने गोगुंदा थाना अधिकारी पर बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों ने बताया कि गोगुंदा थाना क्षेत्र में 3 शराब के ठेके आते हैं और सभी नियमानुसार संचालित हो रहे हैं, लेकिन करीब 5 माह से थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत बेवजह आए दिन परेशान कर रहे हैं और दुकानों के बाहर पुलिस के जवानों को भी बिठा दिया है, जिसकी वजह से उनकी बिक्री पर साफ असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी गोगुंदा थानाधिकारी ने उनके वैध शराब को अवैध शराब बताते हुए जब्त किया था, जिसके बाद कोर्ट ने शराब को वैध बताते हुए माल को छोड़ने के आदेश जारी किए थे और थानाधिकारी पर 20,000 रुपये जुर्माने के आदेश दिए। ठेकेदारों ने आज SP को ज्ञापन सौंपकर गोगुंदा थानाधिकारी को पाबंद करने की मांग की है। सब कार्रवाई कर रहे हैं, सब ये कि आप यही बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सब कार्रवाई कर रहे हैं, सब कह रहे तो तैयार हम भी तैयार। जिले में सबसे ज्यादा मुकदमे हमने बनाए, बोलो आप। अरे हुक्म हमारे दुकान पे बनाए, सबके बनाए, सब बनाए। अच्छा आप आके रिकॉर्ड देखिए, अरे आप आके रिकॉर्ड देखिए, चल रहा क्या बताओ। मैं कह रहा हूँ आके रिकॉर्ड देखिए, गोदाम एक ही चल रहा है। मैं कह रहा हूँ आके रिकॉर्ड देखिए, कर लूंगा वो कर लीजिए, ठीक है। आप मांग लीजिए, ITIT में मांग लीजिए, सब करूंगा। आ रहे आबकारी वाले, जितने भी चल रहे हैं मैंने फोन कर दिया, आ रहे मेरी अफसरों से बात हुई, नियमानुसार कार्रवाई होगी। एक भी होगी, सब जगह होगी, सब होगी, एक भी अगर इसके अलावा कहीं पे भी हुई है तो देख लेना, हमारे साथ एक एक अन्याय होगा और एक ही दुकान पे करेंगे। सब जगह होगी कार्रवाई, नियमानुसार सब जगह कार्रवाई होगी, ठीक है। वो सब जगह हिसाब करो, ठीक है, उचित है, जो नियम में आएगा वो करेंगे, ठीक है ना। उलझने की जरूरत नहीं, उलझने हुक्म आप नहीं, हम तो निवेदन कर सकते हैं, कार्रवाई करेंगे। शराब भी पी रहे हैं बकायदा, यहाँ दारू बेच भी रहे, लेते हुए हमने यहाँ फोटो खींचे, यहाँ से शराब लेते हुए हम ऐसे भी। हाँ फ्रिज वगैरह अलाउ है क्या? ये गोदाम है मेरा और आप जबरदस्ती आप ये बताइए गोदाम का लोकेशन है ये और आप जबरदस्ती पकड़ कर रहे हो साहब। मैं 2 घंटा केरोसिन ले रहे आपके ओपन इंजन बटन बनूंगा और मरूंगा और आप जबरदस्ती लोकेशन दीजिए, लोकेशन लग रही है, लोकेशन लग रही है, गोदाम की लोकेशन, ये गोदाम की लोकेशन नहीं है, गोदाम ही है। कैसे चला रही है गोदाम? आप जबरदस्ती आप प्रदान करना चाहते हो, आप कर सकते हो भाई। आप ये मैं आप मेरे को जबरदस्ती ये दुकान कैसे चला रही है? गोदाम है हुकुम, ये कैसे गोदाम है? ये दुकान आप भेजिए आपके दारू फिर आपको कहाँ पे दारू को फिर? हमने वीडियो लिया ना, फोटो लिया ना, ये आपके साहब पूछो गोदाम हमने गोदाम लगाया, ठीक हूँ और मैं खुद छोड़ना चाहिए। आबकारी ने हमको जबरदस्ती दुकान दी है, आपने दुकान आबकारी ने जबरदस्ती दी, नहीं ले रहे तो भी और आप हमको जबरदस्ती प्रचार कर रहे हैं 5 दिन से जबरदस्ती हमारे दुकान जा रहे हैं। 7:30 बजे का वीडियो भी है, मैं वो भी कराएंगे 8 बजे। मेरा नाम हेमंत चौधरी है, मेरे गोगुंदा में आबकारी द्वारा एलोट दुकान है, जहाँ पे मुझे गोगुंदा थानाधिकारी जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरा परमिट भी गाड़ी जा रही थी उसको रोका दिया और परमिट बताने पे उन्होंने कहा तुम्हारे पास परमिट कोर्ट से छुड़ा देना। 20 दिन पहले उन्होंने मेरे गोदाम को सब माल उठा के ले गए और उनको हमने गोदाम की लोकेशन बताई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास अगर लोकेशन हो तो कोर्ट से छुड़ा देना। कल ये कोर्ट से हमारा माल छूटा है और कोर्ट से उनको फटकार भी लगी है कि इनको तुमने वैध माल है और उन पर जुर्माना लगाया, वैध माल हमारा सब छोड़ा माल और छुड़ाने का उन्हें कोर्ट से हमको वो मिला। तो कल उनको क्या पता ही वोट हुआ क्या हुआ, हमारे गोदाम पे आ गए, गोदाम पे आकर जबरदस्ती दुकान के अंदर घुसे, सेल्समैन को धमकाया। मैं वहाँ गया, मैंने निवेदन किया सर ये हमारी वैध दुकान है, इस पर ये इसका ये देख लो लोकेशन है, तो भी मेरे को धमकाया भाई तू माल बेच के बता दे मेरे को। वो बहुत ज़्यादा उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। अब हम व्यापारी आदमी है, कोई गुंडे तो है नहीं, हमारे दुकान के बाहर आके 20 पुलिस वाले लगा दिए। आज दूसरा कोई पुलिस थाने में सब काम छोड़ के 20 पुलिस वाले अभी भी हमारे दुकान के बाहर बैठे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कारण अब वही जाने, कल कोर्ट से माल छूटा था उसके कारण। कुछ बताया इससे पहले भी आपके साथ कार्रवाई करी उसके लिए? कुछ नहीं, अब वही हमारी पर्टिकुलर दुकान पे ही क्यों कार्रवाई कर रहे हैं ये बात हमको भी समझ में नहीं आ रही है। आज उनके 10 गोदाम और 10 दुकानें नहीं है, एक भी केस कहीं बनाओ तो बता दो, सब हमको ही टारगेट कर रहे हैं। 6 महीने से शिकायत आज हमने सबने ज्ञापन दिया है, आपका विभाग में भी सबको दिया है, कमीशन साहब को दिया है, यहाँ आए हम कलेक्टर साहब को दिया है, SP साहब को दिया है और ज्ञापन सबको देके भी आए हम। और उदयपुर जिले की सबसे महंगी दुकान हमारे है और ये हम सब ठेकेदारी करीबन 10 जने मिलके हमको सी साहब ने कहा था कि ये दुकान कोई उठा नहीं पा रहा है, आप मिलके चलाओ हम आपका सपोर्ट करेंगे। आज बाजार से पैसा लगे हम दुकान चला रहे हैं, लेकिन इनकी सांदर साहब के हिसाब से हमारी दुकान बिल्कुल नहीं चल पा रही है और हम आज 30-40 लाख
का नुकसान हो चुका है और हम सब चाबी लेके भी तैयार है। साहब को बोला हमने दुकान बंद करो, हमको नहीं चाहिए। और तीन महीने का चुनाव के हिसाब से ज़बरदस्ती हमको दुकान दी गई थी और अभी 21 तारीख को दुकान भी वैसे लास्ट दिन 8 ही बचे, फिर भी सांदर साहब हमको इतना परेशान कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और गोगुंदा में मतलब बहुत से क्राइम होते हैं, सब भूल गए वो, क्या पता कि हमसे दुश्मनी 20 पुलिस वाले वहाँ लगा रखे। और एक शर्म आने की बात है, कोई 50 रुपये का पवर लेना आ रहा बेचारा गरीब आदमी, उसको उठा के ले जा रहे हैं और उस पर केस कर रहे हैं और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ये छोटे छोटे पुलिस वाले इनसे ले लेके छोड़ रहे हैं।